Tak, pozor. मेरे बंद कर दो यार। इस तरह से अब जो एनिमेशन में टब पे चलाई थी सेम एनिमेशन हमने इस पे भी चलानी है राइट तो इसको ऊपर इसके लिए दोबारा बनाना जो है वो नीचे से खोलो एक एनिमेशन बना दी है क्योंकि क्या कहता है था कि बंद कर एनिमेशन चला रहे हैं बंद कर की फ्रेम की बात कर रहे थे अगर तुम स्प्राइट चेंज कर देते या हम रिजोल्यूशन चेंज कर देते तो फिर तो एनिमेशन इस पे नहीं चलती लेकिन क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं उसकी ट्रांजिशन करवा रहे हैं उसकी अल्फा चैनल की तो अल्फा चैनल तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना है सेम उसी तरह से तो मैंने कहा कि यहाँ पे कंपोनेंट ऐड किया एनिमेटर दोनों पे एनिमेटर ऐड कर दिए अब क्या हुआ कि साल उनको मैंने ना एनिमेटर भी अप्लाई कर दिए ये फ्रीज वाला है ये नॉर्मल वाला है जिससे क्या हुआ कि सिर्फ हाँ अच्छा और ये कैनवास के अंदर आपको नजर आ रहा है ना ये ग्रिड बना हुआ है ठीक है एक ही तरीका कि आप इसको ग्रिड बनाएं थोड़ा सा राइट एक और तरीका जो कैनवस के अंदर होते हैं लेआउट्स होते हैं लेआउट्स का क्या मतलब होता है कि इस एरिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो उनकी जो लेआउट होगी वो किस तरह से होगी जरा लगी मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है अगर इसी तरह हमारे पास में इसमें काफ़ी ऑप्शन होते हैं लेआउट के अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रिड ठीक है ये बेसिकली ये तीन यूज होते हैं ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टली जितने भी गेम ये एक्चुअली यूज इसलिए करते ताकि जो अगर डायनामिक या किसी चीज़ में इन्हें ऐड करते जा रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर अपने आप को स्केलिंग कर रहे हैं अपने एरिया के अंदर ठीक है अब मैंने ग्रिड बनाना था तो मैंने ग्रिड अप्लाई किया उसमें सेल साइज अप्लाई किया कि इसका सेल साइज ये होगा ठीक है अगर आपने स्पेसिंग अप्लाई करनी है तो इसी तरह स्पेसिंग अप्लाई कर देंगे और ये इतनी ना बेथ और हाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है ठीक है ये ऑटोमेटिकली अपने आप को मैनेज करता है हाँ याद है हमने फ्लो लेआउट इस तरह किया था बिल्कुल स्ट्रक्चर नाइस ओके इसी तरह भी मैंने क्या किया यहाँ पे स्लाइडर ऐड कर दिया ये लास्ट टाइम आपको समझ आ गई थी इस तरह करने के लिए सिर्फ पर मैं स्प्रेड से ही चाहिए और कुछ भी नहीं स्टोव के अंदर आते हैं स्टोव के अंदर जो से ये वाला जो पार्ट है ये मैंने ऐड कर दिया किस तरह से ऐड किया कि ये जो मेरे पास नोड अवेलेबल था ना नोड वन ये वाला इसको मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में इसको मल्टीपल इमेजेस में कन्वर्ट किया यहाँ से स्पाइरेटर में क्या था उसमें दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिए समझ आ गई मैं क्या किया ना ठीक है अब उसको मैंने डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में क्रॉप करके ठीक जो फर्स्ट पार्ट है वो इस जगह पे आ गया ये वाला जो दूसरा पार्ट है उसको डुप्लीकेट करके मैंने ना एक टेल बना लिया उसके ऊपर से यूं करके बस एक पाइप आ रहा है ऐसे क्या हीट इस पे अप्लाई होगी और यहाँ से कंडक्ट करते हैं इसके ऊपर लगेगा यहाँ से वो रिसीव करके इसको अप्लाई करेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर नहीं मुझे होना चाहिए इसकी लेयर ऊपर नहीं होनी चाहिए यूजर को दिखे ना ये सॉलिड है तो ये नजर आएगा ओके ठीक है तो ये देख
इसका लो स्टेट में होगी ना, जो स्टार्ट कर रहे हैं फ्लेवर को, इस स्टेट में इसका फिर इसके ऊपर डायरी होगी। अच्छा सर, ठीक है। हाँ ठीक है, अब अगर इसमें बात करते हैं इतना वो वेजिटेबल ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या उनको नजर आएगा कि हाँ कोई अप्लाई हो रही है उसके ऊपर, राइट। उसके बाद मैंने ये किया, यहाँ पे कनेक्टर्स का गेम जो नया है अभी, उसके अंदर मैंने तीनों कनेक्टर्स रख दिए हैं। ठीक है, दैट्स इट। इसमें ये किए और फिर मैंने क्या किया, ये यहाँ पे बटन ऐड किए, ठीक है, और ये हमारे कुछ स्टैंड ऐड किए, बाकी सेम ये चीज़ें अभी स्क्रिप्ट में बिल्ड नहीं की। मैं प्ले करके देखता हूँ, तो ये सब वो चल रही है स्टार्टिंग में, ये भी ऑपरेट कर रहा है, बटन क्लिकेबल है, ठीक है, अंदर से अभी इतना हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक क्या हुआ, ये व्यूज व्यू हमारा रेडी हो गया, कि हमारा गेम का जितना भी व्यूज वगैरह पार्ट है वो रेडी हो गया। ऐसा मेरे से मतलब पूरा डिस्प्ले व्यू वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितने भी आप आगे स्प्राइट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, आपकी गेम नजर किस तरह से आएगी, वो व्यूज होते हैं कि गेम के। ठीक है, जिससे रेडी करते हैं जी। ये वाला शेप मैंने प्लेस किया है ना, इसके पीछे वजह पता क्या थी इस पॉइंट पे, इसलिए ये था कि जब यहाँ से शेप मूव करके आएगी इस तरफ, तो किस तरफ उसे मूव करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये मैंने शेप रख के पोजीशन कैलकुलेट की थी, तकरीबन इस पॉइंट तक आना है इसमें, राइट। हाँ, तो इसका नाम रख देते हैं, ये हमारा एंड पॉइंट है। इसके ऊपर स्प्राइट एंडर होने की जरूरत भी नहीं है, और इसी तरह से एनिमेटिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इस पर ट्रांसफॉर्म चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, इन चारों कनेक्टर को करते हैं ऑफ। ठीक है, और स्क्रिप्ट एक्ट करते हैं जो कनेक्टर पे वर्क करेगा।